कमी कहीं पिट रहा हो तो एक काम करना, क्या यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। चुगिला आदमी अगर कहीं पीटा जा रहा हो तो बिल्कुल मत बचाइए, अगर मौका लग जाए तो दो तीन उतार के तुम मुंह लगा दो। यदि चुगलखोर कहीं पीटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। ओ भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए। यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। चुगला आदमी अगर कहीं पीटा जा रहा हो बिल्कुल मत बचाइए, भाई भाई के बंटवारे में अगर जरूरत पड़े तो आपस में निपटने दो, पंच की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। आज उस चुगला ने जाकर के मैया सुरची को बता दिया कि महारानी ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा है, तुम्हारी सौत का लड़का तुम्हारी पति की गोद में बैठा है और तुम्हारा बालक जमीन पर खड़ा है। अरे भैया वो दाल चावल खा रही थी ऐसी भाग पड़ी बिना कुल्ला की है। हाँ गुस्सा में उसने आकर के ध्रुव का हाथ पकड़ा और खींच करके जमीन पर गिरा दिया। ऐसी बोल उन्हें बताया नहीं पा रहे, चाटी करो भैया चाटी बोले पतली कर सही करो चाटी, ईंटा तो लगो नहीं ढोलक नाच रही ना ईंटा नीचे लगाना। सुरुचि को जैसी मालूम पड़ा ध्रुव को जमीन पर गिरा दिया, उसने आंखें फाड़ करके जवाब दिया कि सुनिए महाराज इस सिर पर तुमने गधे को चढ़ा रखा है। बेचारे ध्रुव नीचे आराम से गिरे हैं और देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। उसने जवाब दिया कि सुन मेरी बात, अगर तुझे इस राज गद्दी पर बैठने का इतना शौक है ना तो मर जा और मरने के बाद में मेरे पेट से पैदा हो तब तू यहां पर बैठ पाएगा। बेचारे ध्रुव वहां से रोते रोते चले आए और जैसे ही माताओं कुटिया में आए तो ध्रुव ने क्या किया, उस टूटी चरपैया में कंबल को ओढ़ करके सो गए और फपक फपक के रोने लगे। मैया झाड़ू लगा रही थी सुनी थी, उन्होंने रोने की आवाज सुनी भाग करके झोपड़ी में आई और जो उन्होंने कंबल हटाया देखा ध्रुव रो रहा है। मैया ने उठा के गोद में बिठा लिया, बेटा क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो। ध्रुव ने जवाब दिया सुनो माँ, अरे रोई रोई कहे ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी ने मारो। मैया तुम्हें नहीं मालूम, अरे रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। और सुनो मैया मोए पिता ने गोद बैठारो मौसी ने धकेला मारो। मोए पिता ने गोद बैठारो मौसी ने धकेला मारो। Thank you.
सीने मारो ध्रुव ने जवाब दिया मैया मैं उत्तम मैया के साथ में पिताजी की कचहरी में गया था पिताजी ने देखा कि बेटा आया है मुझे उठाया गोद में बिठा लिया तो किसी ने जाकर के मौसी को बता दिया मौसी आई और उसने गाल में तमाचा मार दिया उठा करके जमीन पर दे मारा एकदम से मैया ने जवाब दिया बेटा चलो कोई बात नहीं बड़े लोग हैं तुमको मना किया था वहां मत जाना ध्रुव बोले मैया उस बात की चिंता नहीं है मौसी चाहती दो चार तमाचा और मार लेती कोई दुख नहीं था दुख तो इस बात का हुआ कि मौसी मुझे भला बुरा कहती रही और पिताजी चुपचाप बैठे सुनते रहे एक शब्द भी उन्होंने हमारे पक्ष में नहीं कहा इस बात का दुख है तो जोश जोश में मैया के मुंह से निकल गया कि वो तुम्हारे पिता होते तब तो तुम्हारे लिए बोलते वो तुम्हारे पिता नहीं है जो ये शब्द सुने माता के सुनि बहन सुखारी ध्रुव के हृदय शोक भावारी ध्रुव ने जवाब दिया मैया दुनिया में हर लड़के का कोई ना कोई बाप होता है मैंने आज तक तुमसे ये प्रश्न नहीं पूछा पर आज तुमसे प्रश्न कर रहा हूं मैया ये बताओ मेरा पिता कौन है अब मैया की हालत खराब हे भगवान ये क्या निकल गया मेरे मुंह से अब मैं ध्रुव को क्या जवाब दूंगी कि कौन है पिता तो एकदम मैया ने बात पलट दी लाला एक काम कर मैया बोली भोजन कर ले मैं दही मांग के लाई हूं अरे तेरे गम में मेरे लाला बेटा ये सारी बात भूल जा तेरे लिए दही मांग करके लाई हूं एक गांव से चल भोजन कर ले तेरे गम में मेरे बेटा मैं गांव गांव फिरी आई हूं तेरे गम में मेरे बेटा एकदम से ध्रुव ने जवाब दिया मैया आज ये तुमको बताना ही पड़ेगा कि मेरा पिता कौन है मैं कुछ नहीं जानता ये भोजन वोजन हटाओ ध्रुव ने क्या किया भोजन फेंक दिया मैया बोली बेटा मांग करके लाई थी सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा ध्रुव बोले रह लूंगा पर मैं आज जान के रहूंगा कि मेरा वास्तव में पिता कौन है तो देखो ये होती है माँ माँ ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया ध्रुव को कि बेटा रमते हैं रोम रोम में तेरे पिता वही हैं और तेरे ही नहीं संसार के पिता वही हैं सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री नारायण भगवान यही तुम्हारे पिताजी हैं और ये सम्मानीय राकेश कुमार वाल्मीकि जी 11 पसमंदराएं सभी कलाकारों को और 21 पसमंदराएं भागवत भगवान में श्रद्धा सुमन भेंट हैं आशीर्वाद की कामना चुप्पा में ठहरा और ये राज नारायण मिरिंडा और ये सालू यादव 11 पसमंदराएं भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना और निवेदन है कि भगवान सालू जी का विवाह हो जाए जल्दी है ना सही है ना इसके लिए हमको घूस मिल रही है यहाँ हाँ प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जो मैया ने कहा कि ध्रुव नारायण भगवान तुम्हारे पिताजी हैं तो ध्रुव बोले मैया ये बताओ सबके पिता अपने बच्चों के साथ रहते हमारे पिताजी दूर क्यों हैं हमसे कहाँ मिलेंगे तो मैया ने कहा बेटा जब सयाने हो जाओगे ना तो तपस्या करने जंगल भेजूंगी वहां मिलेंगे ध्रुव की बात सुनी ध्रुव ने इतना सुना नंगे पैरों भाग पड़े जंगल की ओर मैया बोली कहाँ जा रहे हो बोले नारायण जी को ढूंढने मैया बोली पागल हो गया है अभी छोटा है शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे तुझे ध्रुव बोले मेरी फिक्र मत कर मैया प्रेम जिसको है अपने प्रभु से सदा सर कटाते रहेंगे और सम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे घबराने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं होगा मुझे तो आज ध्रुव ने माँ को रोता हुआ छोड़ा और जंगल की ओर चल पड़े अरे घर बिलखती छोड़ी माँ
मात हाय मात पन चली दिन हो ध्रुवय तारी कर रोवती छोड़ी मात घर रोवती छोड़ी मात हो मात बन चली दीनो त्रोयो तारी बेटा ध्रुव बहुत छोटे हैं जंगल की ओर जाने लगे तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करती ही बोली हे परमपिता परमात्मा अरे बंसी वाले टेर मेरी सुनियो हाँ मेरे लला की रक्षा करियो अरे अकेलोई लला हमार हो हमार बन चली दिन हो ध्रुवयो तारी ए कर रोवती छोड़ी मात हो मात बन चली दिन हो ध्रुवयो तारी ध्रुव ने मैया को रोता हुआ छोड़ा और जंगल की ओर चल पड़े। तानपाद को किसी ने जाकर के बता दिया महाराज तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है भटक गया है वो जंगल की ओर जा रहा है। वो तानपाद बोले जाएगा 5 साल के बाद मुझे मिला है अब चाहे सुरुचि हमसे नाराज हो जाए लेकिन मैं अपने बेटा को कुछ ना कुछ दे के रहूंगा। जाओ मेरे बेटा को कह दो कि तुम्हें जौ की रोटी नहीं खानी पड़ेगी तुम जो कहोगे उस प्रकार का भोजन तुम्हें खाने को मिलेगा। ध्रुव के पास नौकर गया बोला भैया तुम्हारी किस्मत खुल गई लौट चलो। कहाँ? अरे महाराज का आदेश मिला है कि तुम्हें बढ़िया भोजन मिलेगा। ध्रुव बोले वारे भगवान तुम्हारे नाम पर हमने एक कदम बढ़ाया तो देखो कि कितना आनंद आ गया है? बेकार भोजन की जगह बढ़िया भोजन मिलने लगा। नौकर से कहा कि हम नहीं जाएंगे। नौकर गया बोला महाराज वो नहीं आ रहा है। बोले उससे जाकर के कह दो कि आधा राज्य मैं उसे दे दूंगा लेकिन लौट आए। सोचो यहां कोई दूसरा होता तो लालच में आके रुक जाता पर ध्रुव ने कहा कि वारे बंसी वाले मैंने तेरे लिए पहला कदम बढ़ाया तो भोजन में परिवर्तन हो गया और दूसरा कदम बढ़ाया तो सीधे रहने की व्यवस्था कर दी अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। अगर मैंने लालच कर दिया तो लालच बुरी बला है और लालच करके मैंने अगर अपने परमात्मा को भुला दिया तो मेरा कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है। चल पड़े ध्रुव और क्या कहते हुए जा रहे हैं ध्रुव सभी लोग बोलेंगे मोए ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया सभी लोग बोलेंगे मोए ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया सुंदर भाव है। ध्रुव कह रहे हैं मैं ले चल अपनी नागरिया हे अवध बिहारी सांवरिया सभी लोग तालियों का संबोधन करते हुए बोलेंगे। अब देखिए तालियां क्यों बजवाई जाती हैं ताली बजाने से बड़ा मन से कीर्तन भूल जाता है। अब कभी ऐसे से बैठे कीर्तन बोले ऐसे करो तो क्या भाव से निकलेगा नहीं और ताली बजाने लगो तो देखो कितना मन से निकलता है ना इसीलिए बजवाई जाती हैं। और वैसे एक और कारण है वो तो आप लोगों को मालूम है जो धार्मिक कारण है राम कथा सुंदर करतारी करतारी तरकारी नहीं जो करेला की तरकारी समझो करतारी कर माने हाथ
और संशय बिहग उड़ावन हारी। जो संशय रूपी यानी शंका रूपी पक्षी हमारे ऊपर बैठा है वो उड़ जाएगा। बोलिए मोए ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया और हो वृंदावन कितना सुंदर भाव है। हो अयोध्या के तीर सरयू मैया अयोध्या के तीर अयोध्या जी में मैया सरयू जी बहती हैं। हो सरयू के तीर अयोध्या के तीर सरयू मैया और संत भरे जहां गागरिया हरे संत भरे जहां गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अब देखिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि जितना हमें समय मिल पाता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि कथा पूरी करें, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए। अब कितना भी जल्दी करें अगर विस्तार से नहीं सुनाएंगे तो आप लोगों के अंदर भी शंका बनी रहेगी कि यहाँ से उठाई वहाँ पटक दी, तो इसलिए विस्तार से सुनाने में हमको समय चाहिए। तो क्षमा करें उतना समय नहीं मिल पाता है, माहौल क्या है आप लोग अच्छे से जानते हो, तो इसलिए हम चाहेंगे जैसे चल रही है प्रेम से निभाइए और जहाँ से ये प्रसंग छूट रहा है कल हम वहीं से इसको उठा करके पूरा करेंगे। और कल है कथा का चौथा दिन है ना। अरे भैया पता ही नहीं चला कब तीन दिन कट गए, चौथा है कि तीसरा है, चौथा है इतना पता है। अब कीर्तन बुलवा रहे ताली नहीं बजा रहे तुम, अब ऐसे नहीं बजाएंगे, भगवान करे जो कीर्तन में ताली ना बजाए उसको खाज हो जाए, खाज। हाँ अब बजाइए सभी लोग। मोहे ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया और बड़ी ही सुंदर सत्संग ज्ञानमयी गंगा आप सभी के गांव में प्रवाहित हो रही है और कई कई वक्ताओं के द्वारा आपको सुंदर ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है। तो थोड़ा थोड़ा समय सभी लोग निकालेंगे और विशेष सूचना ये है कल दिन में होगा राम जन्म, खीर खाने को मिलेगी। हाँ क्योंकि खीर द्वारा हुए थे ना भगवान राम जी। सभी लोग बोले मोए ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया और देखिए कितना सुंदर भाव है साधक का। धरो महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हो तुमको छोड़ी कहां हम जाएं, तुमको छोड़ी हो तुमको छोड़ी कहां हम जाएं और मतलब की है नागरिया हो मतलब की है नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अच्छा अब हम समझ पाए। डेढ़ घंटा से हमारा दिमाग चकराओ, बात क्या है, बात क्या है, बात बहुत है बड़ी, इतनी बड़ी बात निकल आती बाहर
ना जाने क्यों जब से आए बात पे बात हो रही है। हरजीत भाई, जब से आए बात पर बात हो रही है, क्या करें, मुलाकात करना चाहते पर मुलाकात नहीं हो रही है। हो ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए शीतला मैया की।